Welcome to our channel. Bristi's channel. Yeah. No, ये हमारा दोनों का ही channel है. Okay. I don't take the credit. Okay. तो आज हम कुछ अलग सा करने वाले हैं. पहले ही हम बोल देते हैं कुछ करने से पहले ही हम बोल देते हैं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो अपलोड होगा कैसे जाएगा राइट फिर हम भी इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे और नया नया चीज दिखाने में हम लोग का आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो लाइक जरूर कीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए नहीं लगे तो ठीक है और इधर एक घंटा होगा उसको क्लिक कीजिए हाँ वो बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए तो आज हम जब करने जा रहे हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग है करेक्ट क्या करने जा रहे हैं हम आज हम कॉफी बनाएंगे हाँ और कौन सा कॉफी बनाएंगे कैपुचिनो और कौन सा वाला कैपुचिनो जो सीसीडी में मिलता है या स्टारबक्स में मिलता है और वो कितना रुपीस में मिलता है कुछ 150 to 200 इंक्लूडिंग टैक्स उससे ज़्यादा हो सकता है कभी हाँ लेकिन बैंड आज कितना लगेगा हमारा ये कॉफी बनाने में 5 से 6 रुपए 5 से 6 क्या बात कर रहे हो 5 से 6 रुपए वो भी मेरे लिए सरप्राइज है थोड़ा एक्चुअली मैं ये कॉफी पहले पी चुकी हूँ इसको मैंने कभी पिलाया नहीं ट्राई करते हैं आज हम घर पे है तो दोनों ने सोचा कि आप लोगों ने क्या नया लाया तो सोचा कि हाँ ये कुछ लाते हैं उसके लिए मुझे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए ओके okay? उसके लिए मेरे को 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये इलेक्ट्रिकल फोम मेकर ओके इसका वर्क ऐसे करता है जस्ट इधर से एक बटन रहता है और ये मुझे चाहिए 4 चम्मच शक्कर और ये इंस्टेंट वाला कॉफी चाहिए नॉर्मल जो कॉफी होता है आई थिंक ये जो बीन्स वाले होते हैं या फिर जो रफ होते हैं थोड़ा वो यूज करने से नहीं होगा अगर आप देखोगे इंस्टेंट कॉफी में तो ये थोड़ा पाउडर वाला कॉफी रहेगा यही आपको चाहिए क्योंकि हमें वो जो कैपेचिनो है ना उसमें जो टेक्सचर है वो फोम का वो क्रीमी टेक्सचर हमें चाहिए और वो सिर्फ इससे आ सकता है तो ये 2 रुपीज का पैकेट है आप देख सकते हो हमने ब्रू का लिया है 2 रुपीज का तो और हाँ मैंने गर्म पानी और मुझे अभी मिल्क चाहिए तो चलिए मैं अभी पानी गर्म करके लेके आती तो मैं अभी ये ग्लास में पानी लेके जा रही हूँ मैं गर्म करूँगी इसको पानी बहुत कम चाहिए क्योंकि मैं गर्म कर लेती हूँ पानी जल्दी तो मैंने पानी ले लिया है ग्लास में कांच के ग्लास में मैंने पानी ले लिया मुझे गर्म करना है तो मैं माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म कर लूँगी इसको 1 मिनट के लिए मैं गर्म करने के लिए दे लेती हूँ और उतना टाइम में मैं अपना दूध भी थोड़ा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि दूध भी मुझे गर्म चाहिए और पानी भी मुझे गर्म चाहिए तो मेरा पानी गर्म हो चुका है तो पानी को लेके आई अभी मैं पहले जो करूँगी वो है कॉफ़ी को 4 कॉफी चाहिए मुझे वेट कर रहा हूँ ले लिया मैंने चार कॉफी मैं ले ली और 4 कॉफी मुझे चाहिए और इसका लिए 4 कॉफी डाल दी उसमें 3 पैकेट हो गया अभी और 1 पैकेट मुझे डालना है और 1 पैकेट चाहिए मुझे डालने के लिए हो गया 4 पैकेट तो कितने लोग 4 पैकेट से कॉफी पी सकते हैं अभी ये मैं स्टोर करने वाली हूँ फ्रिज में ये 1 दिन में तो हम नहीं पियेंगे इसको मैं स्टोर भी कर सकती हूँ तो इसीलिए मैं इसमें डाल दिया 4 पैकेट कॉफी उसके बाद मैं 4 चम्मच शुगर डालूंगी ठीक है देख पा रहे हो 4 चम्मच शुगर मैं डालूंगी इसमें जिसको जितना मीठा चाहिए उतना आप डाल सकते हो ठीक है हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है तो हम लोगों के लिए हम इतना ही डाल रहे हैं और ये देख पा रहे हो मैंने गर्म पानी लेके रखा है तो इसको मैं अब देखो इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है ये जो है कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए मैंने 3 चम्मच दे दिया ओके अब मैं करूँगी इसको बीटिंग ओके ये बहुत टाइम लगता है करने में आप चम्मच से भी कर सकते हो लेकिन चम्मच से करने में इसका टाइम और बहुत ज़्यादा लगता है इसको आपको उतना टाइम तक करना पड़ेगा जितना टाइम तक इसका वो क्रीमी जो वो फ्लेवर नहीं आता है तो इसको मैं कर रही हूँ इन शॉर्ट अगर आप चम्मच से करोगे तो आप बहुत टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हाँ तो टाइम तो मैं रेफरेंस कैसे दूँ शायद 2 साल बाद आपकी कॉफ़ी तैयार रहेगी yeah.
तो अभी ये बन रहा है, तो अभी ये बन रहा है, देख सकते हो अभी ये होने में अभी टाइम लगेगा काफी, 5 से 6 मिनट भी लग सकता है, तब तक आपको वेट करना है। अब देख सकते हो ये बीट करके बनाना पड़ेगा, आप देख सकते हो इसका कलर काफी चेंज हो गया है। इसका कलर पहले था थोड़ा डार्क ब्राउन और इसका कलर अभी क्या हो रहा है, थोड़ा लाइट हो रहा है। अभी इसको टाइम अभी 3 मिनट हुआ है हम लोगों का, अभी कितना टाइम लगेगा और पता नहीं, आई गेस 5 to 6 मिनट्स लगता है टोटल। लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था तब ऐसे ही 5-6 मिनट लगा था, अब डिपेंड करता है कभी कभी 10 मिनट भी लग सकता है। तो चम्मच से करोगे तो मैंने जैसे बता दिया बहुत टाइम लगेगा, अब डिपेंड करता है हम लोग जो अभी ये फोमिंग का जो अभी ये जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी बेटर कुछ ऑप्शन अगर किसी के पास है वो भी वो यूज़ कर सकता है, लेकिन हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंज हो गया कलर, देख सकते हो आप। तो गाइस ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मैं इसको 7 मिनट से ऐसे कर रही हूँ, मतलब मेरे पे सनी भी किया था थोड़ा, मैंने भी किया, तो ये अभी बन चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका थिकनेस अभी क्या है, देख लीजिए इसका थिकनेस, देखिए हाउ क्रीमी इट इज, इट्स लुकिंग सुपर, देखिए ये देखिए इसका क्रीमी, इधर आके थोड़ा दिखा दो, ये देखो ये क्या है, ये पूरा जो उसका कलर है ना इसको पूरा चेंज हो गया, पहले जो डार्क ब्राउन था देखिए इसको पूरा क्रीमी एक टेक्सचर आ गया इसमें। उसको आप चम्मच से भी बना सकते हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, चम्मच से बनाने में क्या होगा आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको लग सकता है 10-15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर भी लग सकता है, अगर आप इससे बनाओगे तो आपको शायद 10 मिनट के अंदर से ये हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें दूध डाल के मैं टेस्ट करती हूँ मेरा कैपेचिनो एक्चुअली कैसे बना है, वैसे मुझे और मैंने आप लोगों को जो बोला इसमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर है, कैपेचिनो है 2 रुपीस का, सॉरी कैपेचिनो नहीं, कॉफ़ी है 2 रुपीस का, और गर्म पानी है 3 चम्मच। अभी मैं इसमें दूध देने वाली हूँ, ठीक है चलो। तो अभी मैं इसको ग्लास में लेने वाली हूँ, ठीक है, कांच का ग्लास में ले लूँ जैसे कि आपको दिखेगा इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। मैं 2 ग्लास में ले ली इसको, एक चम्मच ये काफ़ी है 1 ग्लास बनाने में, ये आप चम्मच से ऐसे लेना पड़ेगा, मैं पूरा ऐसे लेती हूँ, ठीक है। ये इतना क्रीमी है देखिए, इसमें पूरा चिपक गया इसमें इतना चिपक गया कि ये लेने के लिए मुझे 2 स्पून यूज करना पड़ रहा है, और बाकी जो है ना मेरे पास जो बाकी एक्स्ट्रा है ना मैं अभी वो फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जो बनाया था ना वो मैं एक्चुअली 4 से 5 दिन तक ये काफ़ी अच्छा कंडीशन में रहता है फ्रिज में, मतलब टेस्ट का कोई आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको 4 से 5 दिन रखोगे, और आप 1 हफ्ता भी रख सकते हो, 1 हफ्ता तक भी आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में आप अगर उतना अमाउंट में बना रहे हो। तो अभी हम लोग 2 लोगों के लिए है तो ये सफिशियंट है, तो मैं अभी जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, दूध मैंने डाल दिया, इसमें भी डाल दूंगी, ओके। तो अभी मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको इसको, ये तब तक आपको मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से दूध के साथ मिक्स नहीं हो जाता। इसमें सिर्फ मैंने जैसे कि आपको बोला है 4 चीज है, पानी है, चीनी है और दूध का इंस्टेंट कॉफी है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बन चुका है, अभी हम टेस्ट करेंगे क्या है कैसा लग रहा है।
हमें टेस्ट करने वाले आती गाइस। ये हमें बन गया हमारा कैपेचिनो, स्पेशल कैपेचिनो। तो हमारा कैपेचिनो बन गया है, तो ट्राई करके देखते हैं। मैं पहली बार ही पी रहा हूँ। हाँ, ये पहली बार पी रहा है मैं पहली बार, और ये फीडबैक देगा कि कैसा है कैपेचिनो, क्योंकि मैं पहली बार पी चुकी हूँ। चीयर्स। वैसे लग तो एकदम कैपेचिनो टाइप ही रहा है। अब देखो इसका कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ऊपर थोड़ा सा फोम है, नीचे वो कॉफी वाला। वही मस्त रहता है गाइस, आपको जब भी आप बनाओगे आप मेक श्योर कि ऊपर में ऐसा एक लेयर रहेगा फोम का और नीचे आपका ये कॉफी का। वो जरूरी है, वो जरूरी है कैपेचिनो के लिए। चलिए ट्राई करते हैं। Lovely. Amazing. I think Starbucks fail है इसके साथ। मतलब आपको 6 से 7 रुपए में ना ये जो मिलने वाला है, मतलब देखिए शक्कर आप, मैं जो ले रही हूँ वो बहुत अच्छा है, वो 2 रुपए का ही है और वो कॉफी 2 रुपए का, और ये मतलब जो हमने मिल्क की उसके अब वो 2 रुपए का, तो 6 to 7 रुपए में आपको ये कैपेचिनो मिल रहा है। मतलब सही में यार, मतलब ये मैंने भी एक्चुअली में एक मतलब नेट में मैंने पढ़ा था इसको कि आप कैपेचिनो कैसे घर में बना सकते हो, तो मैं जब उस दिन बनाया तो मैं खुद भी शॉक हो गई कि इतना कम पैसा में कैसे ये कैपेचिनो घर में बन सकता है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप लोगों को घर पे ट्राई करना चाहिए, जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको, आप लोगों को हमारा ये रेसिपी अच्छा लगे, ये हमारा सस्ता का जो कैपेचिनो है वो आपको अच्छा लगे, तो जरूर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारा वीडियो को, और जितना हो सके वो आप शेयर कीजिए, जैसे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी हम लोग को आप लोग के लिए नया नया वीडियो बनाने का। राइट जी। और हाँ, एक और चीज, ये आपको राइट हैंड साइड पे एक बेल दिख रहा होगा जिसको मैंने पहले भी बताया, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब और हाँ बेल पे पक्के से क्लिक कीजिए। हाँ, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करने में और बेल आइकन में क्लिक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप फ्री में ये कर सकते हो। राइट, तो हम अब अभी कॉफी एंजॉय करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।